हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग करेंगे कक्षा 12 में गणित। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ सवाल बताए थे, आज हम लोग उसी सवालों को आगे की तरफ पढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको सवाल नंबर 15 तक कर लिया था। हम लोग लगा रहे हैं प्रश्नावली 2.A। प्रश्नावली 2.A की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। देखिए सवाल इसमें दिया है, कह रहा है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपान एक्स एक्स प्लस टू बाई बराबर पाई बाई फोर कामा एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कहीं ना कहीं हमको ये अगर ध्यान से देखें तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, यानी सीधा सीधा टेन ए प्लस बी का फार्मूला नजर आ रहा है। तो टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो टेन ए इंटू टेन सॉरी टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसी पर हम रखते हुए चलेंगे। इस पूरे को हम ए मान लें, इस पूरे को बी मान लें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिएगा हम बात करेंगे टेन इनवर्स, पहले हो जाएगा हमारा ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन बी एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू पूरे के बटा वन माइनस एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू इंटू इंटू एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू। ठीक है, बराबर क्या है, पाई बाई फोर, यहीं से साथ में है। क्लियर। अब यहाँ जो टेन इनवर्स है इधर इंटू में है ना, इनवर्स का मतलब अपान में है, अपान में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, यानी टेन पाई बाई फोर हो जाएगा। इधर जैसे का तैसे सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लेते हैं, बाकी को सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको हम इधर करते हैं और इसको भी करते हैं, तो एक साथ कर लेते हैं। तो पूरे की हम बात करेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा, क्या आएगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, यह एलसीएम आएगा। ऊपर डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस टू से कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू से कैंसिल आउट, लेकिन एक्स प्लस टू रहेगा। एक्स प्लस टू क्या होगा, रहेगा, अरे एक ठोया वाला इसे कट गया लेकिन दूसरा वाला क्या है, बचा है। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, प्लस वाला से प्लस वाला कट गया लेकिन माइनस वाला बचा, तो हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस माइनस सॉरी एक्स माइनस दो, यानी यह इससे कटा लेकिन यह बचा और यह बचा, पूरा हो गया, यहाँ हो गया। अब नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाला भी वही है, यह क्या हो जाएगा, क्या है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू है, पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा दोनों एक साथ रख लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, पहले रख लेते हैं बाद में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए तो पूरा का यह गुणा हो जाएगा, इसी का इसमें गुणा हो जाएगा, ऊपर का ऊपर हो जाएगा, तो यानी सीधा सीधा रखते हैं, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन पूरे के बटे एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसका गुणा इसमें किया, इसमें गुणा करने के बाद इसका गुणा एक में कर दिया, एक में से इन दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया, एक में करेंगे तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, क्लियर, पूरे के बटे एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ओके, ऊपर भी वही है, इन दोनों का हमने लसा ले लिया, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ऊपर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जब भाग करेंगे इन दोनों से तो यह कटेगा, माइनस वाला माइनस एक बचेगा प्लस वाला, ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, क्लियर, बीच में प्लस प्लस, एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू से भाग करेंगे तो एक्स प्लस टू कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर है एक्स प्लस वन नीचे एक्स माइनस टू। ओके, अब अगर ध्यान से देखें तो यह वाली चीज़ दोनों बार है, यानी बीच का गुणा बीच में होगा, ऊपर का गुणा नीचे, अंश का गुणा हर में होगा और हर का गुणा किस में होगा, अंश में, यानी सीधा सीधा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा, यानी
यह जो है कट जाएगा किससे, यह पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। अब हमारा जो टेन था, हम लोगों ने उस टेन को क्या कर लिया था, इधर ला दिए थे ना पक्षांतर करके, तो टेन पाई बाई क्या हो गया, फोर हो गया, टेन पाई बाई फोर। अब टेन पाई बाई फोर यानी 45 अंश का मान कितना होता है, टेन 45 अंश का मान कितना होता है भाई, टेन 45 अंश का मान एक होता है, कितना होता है, एक होता है। ओके, अब ऊपर हम गुणा कर लेते हैं, नीचे वाले का भी गुणा कर लेते हैं, नीचे दिख रहा है, एक लाइन एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखिएगा अब ऊपर का गुणा हम जब करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है, यानी यक्स का यक्स में करेंगे, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, और यक्स का यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स का दो में करेंगे तो प्लस टू यक्स, माइनस वन का एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस वन का टू में करेंगे तो माइनस टू होगा, इतने से यक्स का एक्स में किए एक्स स्क्वायर, यक्स का दो में किए टू यक्स, एक का एक्स में किए माइनस एक्स, एक का दो में किए माइनस दो, इसमें प्लस है तो प्लस। ओके, अब यक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, यक्स का दो में करेंगे माइनस दो एक्स, एक का एक्स में करेंगे प्लस एक्स, और इधर जाएगा माइनस दो, कुछ कट रहा है, हाँ टू एक्स, टू एक्स प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस एक्स माइनस माइनस बचेगा, ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस दो, एक्स स्क्वायर माइनस दो, कुछ गड़बड़ है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, तो माइनस टू तो आया है, सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, देखिएगा यहाँ पर ये कटेगा नहीं, हमने काटा है, जबकि ये इसमें से घटेगा, हम इसको काटेंगे नहीं, काट देंगे तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, हम इसको पूरा पूरा नहीं कटाएंगे, ये इसमें से घटेगा, कहें कि ये टू एक्स है फिर एक्स है, तो इसको हमको काटना नहीं है, काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा हम करेंगे क्या, ये प्लस का टू है तो एक्स घटा लेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे अगली लाइन में, फिलहाल इसके नीचे का करते हैं, इसके नीचे का करेंगे, यह हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला, तो नीचे वाला और ऊपर वाला तो सेम ही आ गया ना, नीचे वाला ऊपर वाला सेम है भाई, नहीं सेम कैसे होगा, एक तरफ दो होंगे एक तरफ एक होंगे, सेम नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पर भी करेंगे तो सेम वही कंडीशन है, ये तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है, एक ब्रैकेट में क्या ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या ए प्लस बी, यानी सीधा सीधा हमको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी चार, माइनस का यहाँ पर भी वही है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो वही होता है, एक का स्क्वायर यानी एक हो जाएगा, ठीक है वही होगा, अगर हम हाँ एक कामन करते हैं, माइनस कामन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस कामन नहीं करते हैं, जैसे सीधा सीधा रखते हैं, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, ये हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम जानते हैं कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का यानी एक्स का स्क्वायर, बी का मतलब दो का स्क्वायर चार, यहाँ पर भी वही एक्स का स्क्वायर एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर क्या है बराबर एक है, टेन 45 डिग्री यानी पाई बाई फोर का मान कितना है, एक है, ठीक है। चलिए अब आगे जोड़ तोड़ के रखते हैं, देखिएगा वहाँ से हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ टू एक्स में से एक टू एक्स घटा देंगे तो खाली एक्स बचेगा, माइनस का दो प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी माइनस का टू एक्स में से एक्स घटा देंगे तो माइनस का एक्स माइनस का दो, नीचे नीचे हो जाएगा, यह तो माइनस एक्स हो गया ना, माइनस एक्स हो गया और एक्स स्क्वायर हो गया, तब तो कटना चाहिए भाई, क्या हो जाएगा कटेगा, यानी सीधा सीधा क्या बचेगा, यह तो एक्स स्क्वायर से क्या हुआ कट गया,
माइनस का 4, माइनस भी माइनस का पूरा हो जाएगा, प्लस का 3, प्लस का 3 आएगा या माइनस का 3 आएगा। हम यहाँ से जब इसको करेंगे तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे ना, ये प्लस रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, होगा सही है? नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। यहाँ पर ये माइनस बी का होल स्क्वायर होता है और माइनस है, ये माइनस, ये पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जब ब्रैकेट हटाएंगे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, प्लस, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ बचा माइनस का 3 बराबर का 1। ओके, अब कुछ जोड़ दे, कितना हो जाएगा, 2x² माइनस का 2x माइनस का 4 बराबर माइनस का 3, यही है 2x². कुछ कट रहा है या कुछ बच रहा है, कहीं कोई गड़बड़, x² 2x में से एक x गया, प्लस का x रहेगा ना भाई, प्लस का x रहेगा तो ये कट गया ना, यह वाला इससे कटेगा, यह वाला इससे क्या हो जाएगा, कटेगा, तो डायरेक्टली क्या बचेगा, डायरेक्टली बचेगा हमारे पास 2x² प्लस माइनस का 4, माइनस का 4 बराबर, यह इधर आ जाएगा, बटे में तो बुरा हो जाएगा, यानी सीधा माइनस का 3, 2x² माइनस 4 बराबर माइनस का 3, क्या बचा, माइनस का 3। ठीक है, अभी जो माइनस का 3 है ये माइनस का 4 है, इसको उठाकर इधर लाएं, प्लस का 4 होगा, माइनस का 3 प्लस का 4, प्लस का 4 यानी 2x² कितना हो जाएगा, 1x² 1/2, एक्स बराबर 1/4, एक्स बराबर क्या होगा, 1/4, ऐसे 1/4 होगा, स्क्वायर करेंगे ना, वर्गमूल तो कर्ली ना लगेगा भाई, प्लस माइनस रूट एक्स बराबर अंडर रूट 1 - 2, वर्गमूल कर देंगे ना, स्क्वायर थोड़ा करेंगे, वर्ग करेंगे, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। ओके, चलिए फाइनली एक्स का मान फाइंड हुआ, फाइनली हम लोगों ने एक्स का मान क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग था, बस कैलकुलेशन लंबी है, चीज़ें आसान है। देखिएगा एक बार फिर से सवाल करें, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टू अपान क्या बोल रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू बराबर π/4। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, हम जानते हैं कि टेन ए प्लस टेन बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 - टेन ए इंटू टेन बी, उसी फार्मूले पर हमने इसको ए माना, इसको बी माना, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपान 1 - ए इंटू बी, कैलकुलेट हमने कर दिया। कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पर 2 - x इंटू x + 2, इन दोनों को हमने क्या किया, x - 2 इंटू x + 2 को हमने कॉमन कर लिया, मतलब एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको हमने इसकी सहायता से सॉल्व किया तो हमें ये डाटा मिला। फिर यहाँ पर भी हमने इन दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 में गुणा कर दिया, 1 में से इसको क्या कर दिया, घटा दिया, यह अपान नीचे बच गया, यह इससे कट जाएगा क्योंकि दोनों एक है। फिर हमने इसका इसमें किया, तो x में एक सक किया x², x का 2 में किया माइनस प्लस 2, 1 में एक सक किया -x, 1 का 2 में किया -2, बीच में प्लस प्लस, x का x में किया x², x का -2 में किया -2x, 1 का x में किया प्लस x, 1 का 2 में किया -2, बचा क्या नीचे कुछ ना, सिंपल सा बचा है x - 2 इंटू x + 2 - x - 1 इंटू x + 1, ये हमको सीधा सीधा नजर आ रहा है, a - b इंटू a + b, a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, वही फार्मूला है। तो यह a - b a + b यानी सीधा ए का स्क्वायर अर्थात x² बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, बीच में माइनस माइनस, यह हो जाएगा एक्स a - b इंटू a + b, यहाँ पर भी x² 1 का स्क्वायर 1, सिंपल, यह क्या है प्लस x², यह क्या है -x², प्लस माइनस से कैंसिल आउट, बचा क्या -4 + 1, हटा देंगे 3, यानी ऊपर भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा x² + x - 2 + x² - x - 2, यानी +x - x कैंसिल आउट, बचा क्या x² - 2 - 2, यानी 2x² - 4 बराबर -3, यह बटा का 3 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा -3, अब यह प्लस -4 है बराबर उधर लेके जाएंगे +4, यानी -3 + 4 बराबर 1, अर्थात 2x² + 1 2x
एक्स स्क्वायर बराबर प्लस वन, एक्स स्क्वायर बराबर वन बाई टू। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे यानी एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वन बाई टू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस वन बाई रूट टू, ऐसे भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। सिंपल सा फंडा है 10a+b। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग में हमें समय लगा, ओके, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, हटाएं इसको। चलिए आइए देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, सॉरी वन माइनस साइन एक्स इंटू माइनस पाई बाई टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री पाई बाई टू, यानी एक्स जो है फाइंड करना है और यह थ्री पाई बाई टू से छोटा और माइनस पाई बाई टू से क्या है बड़ा है, को सरलतम रूप में क्या करना है व्यक्त करना है। सिंपल सा फंडा है, टेन इनवर्स दिया हुआ है। अब यह आपको यक्स मान लेता है कि यहाँ पर थीटा है, यक्स से कुछ भी है, और इसी की वैल्यू आपको क्या करनी है गिवेन करनी है, मतलब निकालनी है। तो कॉस एक्स है वन है और साइन एक्स है, तो हम कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं और वन को क्या लिख सकते हैं, इतना तो आपको कॉमन सेंस होगा ही। हम कॉस एक्स को लिख सकते हैं, छोटे छोटे फार्मूले बनेंगे, बात कर लेते हैं कॉस एक्स की। तो हम कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। जी हाँ, एक फार्मूला होता है, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। साइन एक्स बराबर हम इतना लिख सकते हैं, कॉस एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स बराबर टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, एक चीज़ और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर, एक मिनट, हाँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू सॉरी एक्स बाई टू बराबर वन होता है। ये तीन सिंपल सी सरल समीकरण हैं, या नियम कह सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। हम इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब जहाँ पर कॉस एक्स होगा वहाँ पर हम इतना रखेंगे, जहाँ पर साइन एक्स होगा इतना रखेंगे, जहाँ पर एक होगा हम इसको रखेंगे, रखेंगे ना, अपने आप आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिएगा, बात करते हैं हम सवाल की सॉल्व करने का। देखिएगा, ये तो हम लोगों ने कुछ नियम है जिसको हमने रख लिया। अब जहाँ पर कॉस एक्स हम डायरेक्टली मान रख के करते हैं, ठीक है, जहाँ पर कॉस एक्स वहाँ पर हम क्या रखेंगे, टेन इनवर्स बाहर जैसे का तैसे रख लेते हैं। अब अंदर की हम बात करें तो कॉस की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक, पूरे के बटे वन के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, वन के स्थान पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस साइन के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो माइनस साइन के स्थान पर टू साइन एक्स बाई टू, साइन के स्थान पर क्या करेंगे भाई, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं यह एक फार्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बना ना, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर, सही जा रहे हैं हम? जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब यह जो प्लस है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर एक, ए हमारा कॉस है, बी हमारा क्या है साइन है, तो ये आगे पीछे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो यहाँ पर कॉस कर लो, यहाँ पर क्या कर लो साइन कर लो, कॉस हो जाएगा साइन हो जाएगा, ताकि सिंपल कैलकुलेशन हम कर पाए, कैलकुलेशन में हमें कोई दिक्कत ना हो। यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख देंगे, बाहर टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स रखते हैं, टेन इनवर्स अंदर है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू पूरे के बटा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू पूरे का होल स्क्वायर।
पूरे में क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ऊपर क्या है, ऊपर है साइन कॉस एक्स स्क्वायर वन साइन एक्स स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या हम इसको एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, कर सकते हैं ना? जी हाँ कर सकते हैं। तो ए प्लस बी हो गया, दूसरे में कर लेते हैं इंटू करके ए माइनस बी कर ले। अब नीचे देखो ध्यान से, दो बार है ना, तो एक बार वाला किससे कट जाएगा, इससे कटेगा, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यह भी माइनस सेम कंडीशन, तो कट जाएगा, कटेगा ना, फिर भी एक बार बचेगा, फिर भी एक बार क्या होगा, बचेगा। ध्यान से देखिएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ओके, एक बार वाला इससे कटा, एक्स बाई टू है, सॉरी सॉरी एक्स बाई टू है यार, ध्यान नहीं दिया हमने, एक्स बाई टू है, यहाँ पर भी क्या है, एक्स बाई टू है जो कटा हुआ है, कॉस एक्स बाई टू है, नीचे भी एक्स बाई टू है, फिर भी एक बार हमारे पास क्या हुआ, बचा। टेन इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपान कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्टली एक टर्म में लिखेंगे, देखिएगा क्या लिखेंगे, हम बता रहे हैं अभी, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर होगा एक्स बाई टू, यह फोर है, अभी पाई बाई फोर कहाँ से आया, प्लस एक्स बाई टू कैसे हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इतना होगा, फिर यह टेन से टेन कटेगा, लास्ट में फाइनली क्या बचेगा, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, और यही हमारा क्या है, एंसर है, यही क्या है भाई, एंसर है। ठीक है, दिख रहा है आपको, चलिए अब यह लास्ट में आया कैसे, इसमें थोड़ा सा टर्निंग था, कुछ खास नहीं था, यह जो है ना, यह इसको हम लोगों ने डायरेक्टली ऐसे, ओहो एक लाइन मिस हुआ, ये ज़्यादा कुछ डायरेक्ट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक लाइन मिस हुआ, हटाते हैं, इतना डायरेक्ट हो जाएगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसको हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले इतना समझते हैं, इतना आपको समझ में आया, देखिए एक बार रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, सवाल कह रहा है कि टेन इनवर्स एक्स कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, जहाँ कामा माइनस पाई बाई टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री पाई बाई टू को सरलता रूप में व्यक्त करिए। हम जानते हैं कि कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इतना होता है। वन बराबर क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर एक, साइन को हम लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। क्लियर, जहाँ पर कॉस है वहाँ पर इतना, जहाँ पर वन है वहाँ पर इतना, यहाँ पर साइन है इतना। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा एक फार्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, ये भी हमने कर दिया। अब ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू यहाँ पर है, यहाँ पर दो बार है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला बना ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर दो बार था तो एक बार बच गया, बचा क्या, ए प्लस बी अपन ए माइनस बी। क्लियर, कितना समझ में आया, इसको हटाएं, इसको हटाएं भाई। ठीक है, देखिएगा हम इसको हटाते हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमने डायरेक्टली कर दिया था, एक लाइन छोड़ दिया था, समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारा टेन इनवर्स जैसे का तैसे रहेगा, अब अंदर हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपान, नीचे वाले को लिखेंगे वन प्लस टेन, सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, माइनस टेन एक्स बाई टू। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना, वन प्लस टेन एक्स बाई टू और वन माइनस टेन एक्स बाई टू, तो इतना ही आएगा, कैसे आएगा, तो टेन को हम लिखेंगे साइन अपान कास लिखेंगे, टेन को साइन अपान कास लिखेंगे, तो बटा में कास होगा, कास का गुणा करेंगे तो कास यहाँ पर आ जाएगा, कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू पूरे बटे कास एक्स बाई टू हो जाएगा, होगा ना। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर वन टेन को लिखेंगे साइन एक्स बाई टू अपन कास एक्स बाई टू, बटा वाला कास इधर आएगा तो कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू पूरे बटा कास एक्स बाई टू, यहाँ पर साइन एक्स बाई टू अपन कास एक्स बाई टू, बटा वाला कास इसमें वन में गुणा करेंगे
कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, पूरे बटा कॉस एक्स बाई टू है, नीचे वाला एक्स बाई टू इसके नीचे वाला एक्स बाई टू से कट जाएगा, अर्थात कॉस एक्स बाई टू पूरे के बटा कॉस एक्स बाई टू कैंसिल आउट बचेगा यही, यानी इसको हम इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब जब हम इसको इतना लिख सकते हैं तो हम अगर ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको इतना लिख सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक फार्मूला बन रहा है, बन रहा है ना। थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करते हैं पीछे, टेन एक्स बाई टू, अगर हम ध्यान से देखें इसको हम एक को ए मान लें, टेन एक्स बाई टू को बी मान लें, इसको ए मान लें ए और इसको बी, तो एक फार्मूला बनेगा टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए, इसको वन कर दें इंटू कर दें तो टेन ए इंटू टेन बी बनेगा ना, यानी टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी बनेगा। उसको हटाकर थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं, इतना बनेगा ना। क्या हम डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी को डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, देखिएगा हटाते हैं इसको, समझिएगा यही वाली चीज़ को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नीचे दिख रहा है तो शायद हम एक लाइन में कर पाएँ, हाँ कर सकते हैं एक लाइन, देखिएगा हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको ए मान लिया और इसको क्या मान लिया, इस पूरे को बी मान लिया, मान लिया ना। तो यह टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन वन प्लस एक्स बाई टू, लिख सकते हैं जी हाँ। टेन कितने अंश का मान एक होता है, तो पैंतालीस अंश का, कितने अंश का मान होता है पैंतालीस अंश का, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू प्लस एक्स बाई टू, और यह टेन से टेन क्या हुआ कटा, फाइनली बचा क्या, बचा क्या भाई पाई बाई फोर, टू नहीं फोर, सॉरी फोर रहेगा, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, समझ में आया हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, जो सवाल दिया था हमने बस उसी को कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा फंडा है, हमने इसको क्या किया, वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपन वन माइनस टेन एक्स बाई टू कर दिया, कर दिया। हमने मान लिया कि इस वन को ए मान ले, टेन एक्स बाई टू को बी मान ले, मान ले। अगर हम इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, तो यह एक फार्मूला बना, टेन ए प्लस टेन बी अपन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, वन का इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, यानी सीधा सीधा ये तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है ना, तो इसको हम ना लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे ना लिख सकते हैं जी, कि टेन एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक टेन कितने अंश का माने पैंतालीस अंश का, अर्थात इसको पाई बाई फोर लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, टेन से टेन कर गया, बचा क्या पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू आंसर। ठीक है, आइए एक बार फिर से देखिएगा सवाल है क्या, सवाल करेगा टेन इनवर्स कॉस एक्स अपान वन माइनस साइन एक्स कामा माइनस पाई बाई टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री पाई बाई टू के सरलतम रूप को व्यक्त कीजिए। हम जानते हैं कि कॉस एक्स बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला होता, सॉरी एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू फार्मूला होता है। वन को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यह हमने सिंपल सिंपल तीन फार्मूले का इस्तेमाल किया, जहाँ पर कास था वहाँ पर हमने क्या किया, कास एक्स कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कर दिया, जहाँ पर वन था वहाँ पर हमने कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस जहाँ पर साइन था वहाँ पर टू कास एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू। अब साइन इंटू है तो पहले कास लिखे या साइन लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ से एक फार्मूला बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ऊपर जैसे कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, नीचे वाले को लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी यहाँ पर, ए माइनस बी यहाँ पर, एक बार इससे क्या हुआ कटा, दो बार था तो एक बार कट गया, एक बार बचा, बचा कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू पूरे बटे कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, क्लियर। चलिए इतना बचा, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपन वन माइनस टेन एक्स बाई टू, इसको चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इसको टेन में बदलेंगे, इस वाले जो फॉर्म में लिखेंगे या टेन जो है साइन अपन कास होगा, साइन अपन कास, कास का जो अपन वाला कास है इस एक में गुणा करेंगे तो कास एक्स बाई टू होगा प्लस साइन एक्स बाई टू होगा पूरे के बटे कास एक्स बाई टू होगा, बच गया। अब वहाँ पर उसको छोड़ दीजिए, नीचे वाले को आइए, नीचे वाले में कास एक्स बाई टू है
इसको सॉरी टेन एक्स बाई टू है तो इसको लिखेंगे साइन एक्स बाई टू अपन कॉस एक्स बाई टू, एक में गुणा करेंगे तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, अब पूरे एक बटे कॉस एक्स बाई टू बचेगा, इसका एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू ऊपर वाले का कॉस एक्स बाई टू, दोनों से क्या हुआ कटा, तो बचा यही ना, यानी यही ना बचेगा, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हमने इसको ऐसे लिख दिया वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपन वन माइनस टेन एक्स बाई टू, अब इसमें हम इंटू वन कर दें, इस टेन एक्स बाई टू में एक का गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा सवाल सेट हो जाएगा। तो वन प्लस टेन एक्स बाई टू माई अपन वन माइनस टेन एक्स बाई टू में हमने वन कर दिया, फिर हमने देखा ध्यान से तो हमारा ए प्लस बी अपन वन माइनस ए इंटू बी, यानी टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, वह फार्मूला सेट हुआ। जब वह सेट हुआ तो हमने इसको एक मान, एक को ए मान लिया, एक्स बाई टू को बी मान लिया, मान लिया तो हम लिख सकते हैं इस पूरे चीज़ को कि टेन ए प्लस बी, अब एक अंश टेन कितने का मान होता है एक, तो पैंतालीस अंश का, पैंतालीस को पाई बाई फोर लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, तो टेन से टेन कैंसिल आउट, बचा क्या पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, अगले वीडियो में कुछ और सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।